Talker of a story from Sambhaji Nagar in Maharashtra. A hijab-wearing Muslim girl was assaulted in the middle of the road in broad daylight. And all this was done only because she was seen Hindu men. The charge against the girl is that she befriended Hindu women, Hindu men. And instead of condemning the assault by the assaulters, Samajwadi Party Neta Abu Azmi has resorted to victim shaming by saying, why was she seen with Hindu boys? This is not allowed, should not have been done. उसको पकड़ना था ना भाई, मोबाइल ले ले उसकी, दो मिनट रुके, वाइट मत कीजिए, वाइट मत. अरे गैर मुस्लिम के साथ मिल रही पूरा वो जो लड़की को पूछताछ करने के बाद ही बहुत कुछ मालूम पड़ा, लेकिन वो मानसिक स्थिति में यानी बताने के इसमें नहीं थी. वो घूमने आई थी यहाँ किसी किन लोगों के साथ में, तो शायद उनमें से कुछ लोगों को ये बात ठीक नहीं लगी, तो उन लोगों ने ऐसा कुछ उनको मारा. लेकिन उनका क्या रिलेशन है या क्या नहीं है वो तो हम तहकीकत करने के बाद तब इसके बाद मालूम पड़ेगा. तो ये हमने, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लिया और वो हमने उनके मार्गदर्शन से हम गुनाह भी दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ बार बार या कभी होना नहीं चाहिए. जो महिला है, जो लेडीज़ है, उनको सुरक्षितता महसूस होनी चाहिए. द पुलिस वॉज स्विफ्ट इन टू टेकिंग एक्शन, बट फोकस ऑन व्हाट द पुलिस ऑफिशियल सेड. ही सेड द गर्ल वॉज आउट विद अ फ्रेंड्स एंड दीज बॉयज, द अक्यूज, डिडन्ट लाइक हर विद अ ग्रुप दैट शी वॉज विथ, विच इज वाई शी वॉज असॉल्टेड. Now, if this was not enough, and you saw her shrieking, you know, out of fear, Abu Azmi, the Samajwadi Party lawmaker, has the gall to blame the girl. Listen to every word of what he said. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक वीडियो सामने आया है नाबालिग का, जिसमें उसने हिजाब पहना है. उसके हिजाब को कुछ लोग खींचते तानते और उसे परेशान करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो मुसलमान होते हुए कुछ नॉन मुसलमान लोगों के साथ चलती फिरती नजर आई है. आजमी साहब हमारे साथ हैं. अबू आजमी, आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसी वीडियो को सबसे पहले देखकर क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है कि बच्चियां नाबालिग हैं, वो महज चल के आ रही है ट्यूशन से पढ़ते हुए और कुछ लड़कों का झुंड उसे इसी तरीके से घेराव करके परेशान करता है? देखिए, 2014 के बाद देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा हो रहा है. हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम. सरकार ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया. सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नाम लेकर के, कहीं गाय और बैल के नाम पे मुसलमान मारा जा रहा है, कहीं जो है CNRC का नाम लाया जा रहा है. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं और वही लोग मनेंद्र की भारतवर्ष में किसी मुस्लिम जमात ने आज तक ये कहा हो कि जाओ हिंदू लड़कियों से शादी करो और उनको लाके मुस्लिम बनाओ. लव जिहाद के नाम पे जब हमारे हजारों हिंदू बहनों को जब झूठ बोला जाता है, झूठ बोल के शादी की जाती है, उनका मजहब, उनका धर्म बदला जाता है,
तभी ये सवाल कोई नहीं पूछता, तभी उनको कोई नहीं रोकता, तभी उनको कोई सवाल नहीं करता। इस बारे में पुलिस प्रशासन ने कड़क कार्रवाई करनी ही चाहिए और ऐसे घटनाएं हिंदू लड़कियों के साथ भी ना हो, इस बारे में भी भूमिका लेनी चाहिए।